नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया चाइना ने कंफर्म किया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको देखेंगे। न्यूज अलग अलग मैं कह लो सोर्सेस से मैंने उठाई है। कौन कौन सी न्यूज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के अलावा इलेक्शन कमीशन ने 86 पार्टीज को डीलिस्ट किया है, 253 को इनएक्टिव डिक्लेयर किया है। G20 समिट होने वाली है सितंबर 2023 में। इंडिया ओवरऑल आप कह लो इसका लीडर है इंडोनेशिया के बाद। G20 ट्रोएका का पार्ट है, ये सब क्या है इसको डिस्कस करेंगे। फिर अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर से अभी कुछ क्लैशेस हो गए हैं, जिसको लेके भारतीय सरकार ने भी स्टेटमेंट दिए कि भाई शांति रखिए, जो एग्रेसर है उसको शांत हो जाना चाहिए, इसको देखेंगे। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पे 384 ड्रग्स को लिस्ट किया गया, इसकी बात करेंगे। 1098 जो चाइल्ड लाइन है इसको 112 के साथ मर्ज करने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट इसके क्या बेनिफिट बता रहा है, क्रिटिक्स इसके क्या डिसएडवांटेजेस बता रहा है, इसको देखेंगे। और ईरान यहाँ पे शायद इंडिया को कह रहा है कि आप हमसे तेल इम्पोर्ट करो, जब आप US सैंक्शंस को बाईपास करके रशिया से तेल इम्पोर्ट कर सकते हो तो हमसे क्यों नहीं कर सकते हो, तो इस चीज़ को देखेंगे। एडिटोरियल में ऑल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इंडिया किस प्रकार से नॉन अलाइनमेंट छोड़ के ऑल अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है, इसको देखेंगे। पेटेंट इकोसिस्टम इंडिया में कैसा चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इंक में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं इसको अलग से डिस्कस नहीं कर रहा है। कम्युनल फोर्सेज इन रिलीजियस डिस्प्यूट्स, देखिए रिसेंटली ज्ञान वापी मस्जिद के केस में जो कोर्ट का डिसीजन आया उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको देखेंगे। US ओपन के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसकी बात करेंगे। तमिलनाडु में इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स के लिए एकदम से जो बिल वगैरह हैं इनके क्वांटम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, टैरिफ बढ़ा दिए गए इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूजर्स के लिए, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट मतलब जो आपको किसी चीज़ की याद दिलाए, व्यक्ति या वस्तु का स्मरण कराने वाला। His suit was reminiscent of an old army uniform, मतलब उसने जो कपड़ा पहना ऐसा लग रहा है कि पुराने समय पे जो आर्मी की यूनिफॉर्म होती थी उसके जैसा उसका सूट था। तो मतलब कोई पुरानी चीज़ की आपको याद आ जाए कि इसी चीज़ को देख के इसको आप बोलोगे reminiscent, कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे उस चीज़ को reminiscence करवा रही। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीज़ का लिंक दीजिए दुआ। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि इसके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, कमेंट करने से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब और लोगों को वीडियो को रिकमेंड करता है। अभी भी जो व्यूअरशिप है ओवरऑल करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की वो लगभग 10,000 के आसपास घूम रही है, नेक्स्ट टारगेट 15 का है, लेट्स सी कब तक 15,000 तक पहुँचती है। GS पेपर 2 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरिया, तो देखिए भाई इंडिया और चाइना ने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 गोगरा हॉटस्प्रिंग इलाके ईस्टर्न लद्दाख में डिसइंगेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, और इस बात को दोनों पार्टी आपस में वेरीफाई भी कर चुकी हैं। एरियल सर्विलेंस के थ्रू इसको वेरीफाई किया गया, हालांकि डिसइंगेजमेंट किस प्रकार से हुआ है इसको टॉप सीक्रेट रखा गया, इसके बारे में डिटेल्स पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, ना चाइनीज साइड की तरफ अवेलेबल है और ना ही इंडियन साइड की तरफ अवेलेबल है। पहले भी जहाँ जहाँ पे डिसइंगेजमेंट किया गया है वहाँ वहाँ पे कॉर्प्स कमांडर लेवल पे बातचीत हुई, और बातचीत के बाद डिसाइड किया गया कि हाँ भाई तुम यहाँ तक, तुम्हारी मतलब फोर्सेस रहेंगी, हमारी फोर्सेस यहाँ तक रहेंगी, और इसके बाद ये डिसाइड किया जाता था कि पेट्रोलिंग का पैटर्न क्या होगा, हमारे सोल्जर्स इस इलाके में इस समय पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, तुम्हारे इस इलाके में इस समय पर, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वे से आपने एक बीच का एग्रीमेंट निकाल दिया कि हाँ भाई इस जगह पर इतना हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का ही पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे भी हो गया, हालांकि ओवरऑल इसके डिटेल्स क्या हैं ये पब्लिक में रिलीज नहीं किए गए। तो अब चूंकि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया तो दो पॉइंट्स बचे हैं, एक देमचोक बचा है, एक देपसांग बचा है। लेकिन इंडिया बोल रहा है कि हम देमचोक देपसांग को लेकर बातचीत करेंगे, चाइना बोल रहा है कि देमचोक देपसांग 2020 के स्टैंड ऑफ का हिस्सा नहीं है। इनका यह बोलना है कि देमचोक देपसांग की प्रॉब्लम पुरानी है, इसका 2020 के स्टैंड ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। देपसांग प्लिंग बहुत इलाका है, 972 स्क्वायर किलोमीटर्स के इलाके में भारतीय आर्मी की पेट्रोलिंग को चाइना ने रोक दिया। पहले पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 11A, पेट्रोलिंग पॉइंट 12 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13, यहाँ तक हमारी आर्म फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी जनवरी फरवरी 2020 तक, उसके बाद से चाइना ने इसको ब्लॉक किया। चाइना कह रहा है कि करंट स्टैंड ऑफ का हिस्सा नहीं है देपसांग और देमचोक। मैं आपको बता दूं, देपसांग प्लेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर आप बात करो बद से राखी नाला नाम की जगह, अगर आप बात करो दौलत बेग ओल्डी, ये सब जो इंडिया के अंदर हैं इनकी पोजीशंस आप कह लो थ्रेटन हो जाती हैं चाइना के देपसांग प्लेन में होने से। ये देखिए
यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी रेट जा रही है। अभी जो दौलत बेग ओल्डी रोप और जो एयर स्ट्रिप है ना, इसके जितना पास पहुंचेंगी चाइनीज फोर्सेस, उतना ही इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेजियस होगा। यहीं पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट एयर स्ट्रिप है, यहीं तक हमारी रोड्स जाती है, हमारी कनेक्टिविटी टू सियाचिन इसी इलाके से इंश्योर होती है, और चाइना इस इलाके के लगातार पास आ रहा है। इसलिए देवसांग प्लेन में डिसएंगेजमेंट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आर्म्ड फोर्सेस सच में ये डिसएंगेजमेंट कर पाती हैं तो ये बहुत बड़ी विन होगी इंडिया के लिए। लेट्स सी, लेकिन चाइना इसको इतनी आसानी से होने नहीं देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली न्यूज़, जीएस पेपर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इलेक्शन कमीशन ने 86 पार्टीज को डीलिस्ट कर दिया, 253 को इनएक्टिव कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, डी लिस्ट और इनएक्टिव कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि डी रजिस्टर कर दिया है पार्टी को। पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, बस 86 को डी लिस्ट कर दिया गया है और 253 को इनएक्टिव कर दिया गया है। ये ओवरऑल डिसीजन लिया गया चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशनर अनूप चंद्र पांडे, इन्होंने राज्य की जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिसीजन लिया है। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट दी, उसके बेसिस पे 253 पार्टीज को इनएक्टिव बोल दिया। इनएक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर गए, रिस्पॉन्ड करने को बोला गया। इन पॉलिटिकल पार्टी ने कोई रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, ना ही इन पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट इलेक्शन 2014-19 में लड़ा है, ना ही ये स्टेट की जनरल असेंबली के इलेक्शन लड़े हैं। तो जब ये इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हैं तो इनएक्टिव तो होंगे ही ना। 14 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज तमिलनाडु की हैं, 34 उत्तर प्रदेश, 33 दिल्ली की, 9 तेलंगाना की और 6 कर्नाटक की। 86 पार्टीज को लगभग रजिस्टर्ड पार्टी की लिस्ट से डिलीट किया गया, जो कि ओवरऑल ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। फिजिकल चेकअप कराया गया, इनके ऑफिस पे थी ही नहीं, कोई नामो निशान नहीं था इन पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो तो अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सारे कैंडिडेट्स के लिए कॉमन इलेक्शन सिंबल ले सकते हो, बशर्ते आप रजिस्टर्ड हो। ओके, अच्छा, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की ताकत क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है? लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर कर सकता है, बट डी रजिस्टर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आसान नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी तभी डी रजिस्टर की जा सकती है अगर इसने अपना रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से किया हो, या फिर केंद्र की सरकार ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया हो, या फिर ये अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बोलती है कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल वजहों से किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन दे दी तो फिर उसको डी रजिस्टर करना इलेक्शन कमीशन के लिए तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक केंद्र की सरकार यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं देती या जब तक जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होती। समझ गया बात को? तो ये सब ओवरऑल चीज़ें बोल रखी गई हैं। अच्छा, ओवरऑल ये भी बताया गया कि जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनएक्टिव हो रखी हैं इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि शायद कैंडिडेट को कन्फ्यूज करना। आप सोचिए दोस्तों, जब आप वोट डालने के लिए जाते हो किसी इलेक्शन बूथ के अंदर तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नाम और उसके सामने इलेक्शन सिंबल्स नज़र आ जाते हैं। कई बार तो कुछ ऐसे नाम और इलेक्शन सिंबल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर वोटर्स ने ना देखे होते हैं ना सुने होते हैं। तो एक बार को कुछ इंसान सोचेगा कि जब कैंडिडेट को पता है कि उसे कोई जानता नहीं, उसकी पॉलिटिकल पार्टी की कोई पहुंच नहीं, तो वो जीतेगा नहीं, तो भी क्यों वो इलेक्शन में खड़े होते हैं? तो शायद लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है ताकि बहुत सारी चॉइसेस के बीच में जो आम आदमी है वो कन्फ्यूज हो जाए और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा फुलफिल हो जाए। इस प्रकार की भी कुछ बातें यहाँ पे कही जा रही हैं, इसलिए 250 पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनएक्टिव कर दिया गया। फिर अगली न्यूज़, जीएस पेपर टू ग्लोबल ग्रुपिंग्स इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया G20 की समिट होल्ड करेगा सितंबर 2023 में। 200 G20 रिलेटेड मीटिंग्स होंगी ओवरऑल इंडिया के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। इस बीच में G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है। समिट होगा न्यू दिल्ली में 9-10 सितंबर 2023 में। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई ये गेस्ट कंट्रीज होंगी इवेंट पे, और भी बहुत सी कंट्रीज होने वाली हैं। इस समय पे इंडिया G20 ट्रॉयका का पार्ट है। ट्रॉयका मतलब प्रीवियस जो लीडर था G20 का, जो कि यहाँ पे इटली है, करंट लीडर इंडोनेशिया और इंडिया आने वाला लीडर, तो ये तीन लोग ट्रॉयका में आ गए। अब ऑब्वियस बात है, जब इंडिया बनेगा यहाँ पे प्रेसिडेंट तो ट्रॉयका होगा, पुराना लीडर इंडोनेशिया, फिर इंडिया और फिर अगला ब्राजील। तो ओवरऑल G20 समिट में बातचीत यहाँ पे क्या क्या होने वाली, इंडिया किस किस चीज़ के ऊपर बातचीत करेगा, इसके ऊपर अगर हम देखें
तो प्रायोरिटी दी जाएगी ऐसा बताया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ एग्रीकल्चर एजुकेशन कल्चर टूरिज्म क्लाइमेट फाइनेंसिंग सर्कुलर इकोनॉमी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी इन सबको यहाँ पे प्रोमिनेंस दी जाएगी। G20 के मेंबर्स 85% ग्लोबल GDP बनाते हैं, 75% इंटरनेशनल ट्रेड बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलग अलग सेक्टर्स में ओवरऑल G20 में एक लीडरशिप लेके आ सकता है। लेट्स सी किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। G20 की प्रेसिडेंसी रोटेशन के हिसाब से काम करती है, 19 कंट्रीज जो कि G20 का पार्ट है और पांचवा यूरोपियन यूनियन, इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, समझ गए। और अगर आप देखो तो ग्रुप 2 में है रशिया साउथ अफ्रीका टर्की इंडिया, इसमें से इस बार प्रेसिडेंट कौन बन रहा है? इंडिया। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर नहीं है, जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंटशिप होती है वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इसकी मीटिंग के लिए। ट्रैका क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल G20 में एक फाइनेंस ट्रैक होता है, फाइनेंस ट्रैक में G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर्स अक्सर कर मिलते रहते हैं फाइनेंशियल चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए। फिर एक शेरपा ट्रैक होता है, शेरपा ट्रैक में पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंटी करप्शन डेवलपमेंट एनर्जी के ऊपर बातचीत होती है। तो G20 अपना शेरपा अपॉइंट करता है, शेरपा मतलब जो कि इंडिया के बिहाफ पे इंडिया के इंटरेस्ट को G20 में रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अर्जेंटीना 2018 में जब G20 की मीट हुई थी तो इंडियन शेरपा थे श्री शक्तिकांता दास जी, जो कि इस समय पे RBI के गवर्नर भी हैं। तो ओवरऑल G20 में मेंबरशिप किस हिसाब से होती है? एक तो फाइनेंशियल ट्रैक, एक शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में पॉलिटिकल बातें होती हैं और फाइनेंशियल ट्रैक में ऑब्वियसली बातें फाइनेंशियल बातें होती हैं। फिर GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्थ 384 ड्रग्स ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। देखिए अभी हुआ क्या है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने क्या किया है, ये मेंटेन करते हैं एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जिसको कंपाइल किया गया था 1996 में, इसको रिवाइज किया गया 2003 में, 2011 में, 2015 में, अब इसको 2022 में फिर से रिवाइज किया गया। और 2022 में रिवाइज करने के बाद 26 ड्रग्स को इस नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन से हटा दिया गया है और 34 नई ड्रग्स को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जो नई नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है इसमें से 26 पुरानी ड्रग्स को हटाया गया है, 34 नई ड्रग्स को जोड़ा गया है, इन ड्रग्स को 27 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज के अंदर सेग्रीगेट किया गया है। यहाँ पे 4 मेजर एंटी कैंसर ड्रग्स जोड़ी गई हैं, एक है बेंदामुस्तीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि ल्यूकेमिया को ट्रीट करती है, ब्लड कैंसर को आयरोनोटिसिन HLCA ट्राइहेड्रेट जो कि पैनक्रियाटिक कैंसर को डील करती है, ल्यूप्रोलाइड एसिडेट जो कि प्रोस्टेट और यूटेरिन कैंसर को ट्रीट करती है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी ड्रग्स यहाँ पे जोड़ी घटाई जा रही हैं। एक और है लिनामोनाइड जो कि मल्टीपल माइलोमा को ट्रीट करती है। फिर अगर आप देखो तो एंटीबायोटिक ड्रग भी यहाँ पे जोड़ा गया है, कुछ पेटेंटेड ड्रग भी यहाँ पे जोड़े गए हैं जैसे कि anti-HIV ड्रग, फिर एक डाक्लातासिविर हेपेटाइटिस सी का ड्रग, फिर बेदाक्विलिन और डेलामेनाइड anti-TB ड्रग, ये एक्चुअली पेटेंटेड ड्रग्स हैं, इनको भी जोड़ा गया है नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन में। अब आप बोलोगे सर कि इन ड्रग्स को जोड़ने से होगा क्या? देखिए ये वो ड्रग्स हैं जिनकी प्राइसिंग को, जिनके दाम को मॉनिटर करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के हिसाब से नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन के अंदर जो भी मेडिसिन लिस्टेड हैं उनके प्राइसेस को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के हिसाब से। इंडिया में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हेल्थ केयर के हिसाब से, मेडिसिन के प्रॉपर अवेलेबिलिटी के हिसाब से DPCO 2013 के प्रोविजंस के अंदर जो भी ड्रग्स के नाम NLEM पे हैं, नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन में हैं, उनके दामों को यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा किसके द्वारा? आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा। COVID-19 की ट्रीटमेंट की किसी भी ड्रग को इस NLEM में नहीं जोड़ा गया है। रीजन बहुत सारे ड्रग्स की जेन्युइननेस पे अभी क्वेश्चन है, ज़्यादातर ड्रग्स को प्रोविजनल ही अप्रूवल मिला है, COVID-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा था, प्रॉपर टेस्ट और कंप्लीटेड टेस्ट अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके चलते बहुत सारे अगर आप देखो जो नए एडिशंस हुए हैं NLEM में, एंटीबायोटिक्स वैक्सीन एंटरक्रेंसी ड्रग्स के जो दाम है वो कम हो सकते हैं। फिर आइवरमेक्टिन मिप्रिकोसिन निकोटीन रिप्लेसमेंट थ्योरी इनको भी ऐड किया गया, एंडिक्रोइन मेडिसिन कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्लूड्रोकॉर्टोसिन ऑर्मेलॉक्सोफिन इंसुलिन गार्गलिन टेनेग्लिप्टीन। अब देखिए ये नाम तो स्पेसिफिक डॉक्टर्स को ही समझ में आएंगे, मुझे भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में इसमें पता नहीं है, ठीक है। तो कुछ दवाइयाँ हटाई गई, कुछ नई दवाइयाँ जोड़ी गई, 4 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर पेटेंट है पर उसके बावजूद भी इसको जोड़ा गया है यहाँ पे। तो ये जो ओवरऑल पहले 2-3 हेड्स में जो दवाइयाँ लिखी हुई ना इनको जरूर याद रखिएगा, ये हो सकता है ओवरऑल आपसे पूछ दिया जाए किसी ओवरऑल क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इश्यूज विद चिल्ड्रन। भैया 1098 चाइल्ड लाइन को 112 हेल्प लाइन इमरजेंसी नंबर के साथ जोड़ा जा रहा है। अभी तक पिछले 26 सालों से चाइल्ड लाइन 1098 चिल्ड्रन डेडिकेटेड हेल्प लाइन है, काम कर रही है सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के पार्टनरशिप के साथ।
अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बोलना है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, इसको जोड़ दिया जाएगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ, ERSS, मतलब इसका इसको रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट कोड 112 पे जब आप कॉल करोगे या फिर 112 इंडिया ऐप पे जब आप लॉगिन करोगे, इसको बोलते हैं आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। अब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम में होता क्या है कि वुमन रिलेटेड इश्यूज, अगर आपको कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इस प्रकार की कोई परेशानी है, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप 112 पे कॉल कर सकते हो। 1098 चाइल्ड स्पेसिफिक हेल्पलाइन थी, लेकिन चाइल्ड स्पेसिफिक हेल्पलाइन 1098 को 112 के साथ जोड़ दिया गया है, इनको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ जोड़ा जाएगा। मदद कौन करेगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो सीडेक की मदद से 1098 को 112 के साथ जोड़ा जाएगा। सारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स का जो सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन है उसको इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। केंद्र की सरकार ने यहाँ पे गाइडलाइंस इशू की हैं कि राज्य की सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें हैं वो स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगी और सीडेक के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरी कोशिश करेंगी कि चाइल्ड हेल्पलाइन को वुमेन हेल्पलाइन से यहाँ पे जोड़ा जाए। और ये सब हो रहा है मिसल वात्सल्य की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। मिसल वात्सल्य की गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा अगस्त में रिलीज की गई थी, जिसमें यह बोला गया था कि दोनों हेल्पलाइंस को मर्ज कर दो, और यहाँ पे हेल्पलाइंस मर्ज की जा रही है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है वो इसके अगेंस्ट है। सिविल सोसाइटी ये बोल रही है कि चाइल्ड लाइन 1098 एक बहुत इफेक्टिव और सक्सेसफुल तरीका रहा है चिल्ड्रन के खिलाफ हो रहे वॉयलेंस को और अत्याचार को रोकने के लिए। अगर आप 1098 1012 को जोड़ देते हो तो हो सकता है चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम रिपोर्ट हो। उसका रीज़न देखिए ये है कि 112 वाली लाइन पुलिस मैटर्स हेल्थ और वुमेन सेफ्टी से डील करती है। 112 के अंदर जब फोन जाता है तो सीधे पुलिस के पास जाता है, 1098 के अंदर पुलिस के पास नहीं जाता है, जो एनजीओ से रिलेटेड लोग हैं उनके पास फोन जाता है और एनजीओ से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक लोग इस प्रकार की कॉल्स को अटेंड करते हैं। 1996 में अगर आप देखो तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एज अ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था चाइल्ड लाइन, एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह ये काम करता है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से पैसा आता है इसको चलाने के लिए। चाइल्ड लाइन 1098 80 लाख कॉल्स एनुअली रिसीव करता है, 700 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री में कॉल लग सकती है, 1000 इंटरवेंशन यूनिट्स हैं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में भी इनके ऑफिसेस हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो बच्चे हैं इनको प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट बेसिस पे एनजीओस ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व हैं। अब अगर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पुलिस वाले से एक्चुअल कोई बच्चा डर जाएगा। अब हमारे देश में कुछ टैबू है, देखिए अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में चले जाओगे तो ज़्यादा लोग पुलिस वालों से डरते नहीं, उनको पब्लिक सर्वेंट समझते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बीहड़ गाँव या सबर्बन इलाके में चले जाओगे तो लोगों को लगता है यार पुलिस वालों की दोस्ती ना अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो बचते हैं लोग, पुलिस वालों से कटते हैं, तो बच्चे भी एक्चुअली में पुलिस वाले को देख के डर जाते हैं। तो कोई एक बच्चा अगर 1098 पे कॉल करता है, पुलिस वाला उठाता है या कोई पुलिस वाला मदद के लिए आता है तो हो सकता है बच्चा देख के घबरा जाए, साइड हट जाए, सामने आए ना। प्लस ओवरऑल 1098 चाइल्ड लाइन का मैनेजमेंट अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास था, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इन सब बिहाफ पे चाइल्ड लाइन 1098 को 112 के साथ मिलाने को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि भाई चाइल्ड लाइन एनुअल रिपोर्ट 2021-22 में जो 50 लाख कॉल्स रिसीव हुई थी, ये कॉल का नंबर कम हो सकता है, एक्चुअली जो 50 लाख कॉल्स आई थी इसमें ज़्यादातर कॉल्स तो कोविड-19 में जो बच्चों के वेलफेयर के रिस्पेक्ट में कॉल आई थी। तो कुल मिला के जो क्रिटिक्स हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1098 को 1012 से 112 से मिलाओगे तो पहली बात तो पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बन जाएगी, तो बच्चे पुलिस के साथ उस लेवल पर एंगेज करेंगे इसकी गारंटी नहीं। दूसरा, ओवरऑल चाइल्ड लाइन स्पेसिफिक जो एलिमेंट है वो चला जाएगा, जिसके चलते चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रिपोर्टिंग घट सकती है, कॉम्प्लायंस घट सकता है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अच्छा, भारत सरकार ने शायद प्लान बना लिया है कि वो चाइल्ड लाइन को हटाएंगे, क्योंकि रिसेंटली आए थे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट मॉडल अमेंडमेंट रूल्स 2022। इन रूलों में चाइल्ड लाइन का मेंशन नहीं किया गया। इससे पहले जो प्रिंसिपल एक्ट आया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसमें चाइल्ड लाइन सर्विसेज की बात की गई थी, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की बात की गई थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रूल्स आए हैं 2022 में, इसमें किसी भी प्रकार की चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन की बात नहीं की गई। तो शायद सरकार ने प्लान बना लिया है कि 1098 को 112 के साथ मर्ज करेंगे। मर्ज करने में प्रॉब्लम नहीं है, बस चाइल्ड कॉम्प्लियंस, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट होती रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई आप कह लो बाइसनेस या न्यूट्रलाइजेशन ना आए, हम बस यही उम्मीद करेंगे। फिर भाई, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली सबरकंद में, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम रईसी से मिलेंगे और बातचीत होगी ऑयल के इंपोर्ट को लेके, चाबहार प्रोजेक्ट को लेके, रीजनल कनेक्टिविटी को लेके और बायलेटरल इश्यूज को लेके। 2018-19 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर, तब इंडिया को डर के मारे ईरान के साथ अपना ट्रेड बंद करना पड़ा। अब चूंकि रशिया के मुद्दे को लेके
इंडिया यूएस के बिल्कुल सामने डट के खड़ा हुआ है कि हम तो रशिया से तेल इंपोर्ट करेंगे, तो शायद एससीओ की समिट में ईरान, और ईरान एक्चुअली में इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को ईरान से बढ़ाओ। 2018-19 के समय पे 12% इंडिया की क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स ईरान से आ रही थी, लेकिन उसके बाद यूएस सैंक्शन के चलते हमने बंद कर दी। तो अब ईरान प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को, भाई जब रशिया से आप तेल इंपोर्ट कर सकते हो यूएस सैंक्शन को स्किप करके, तो हमसे क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहे हो? रशियन ऑयल तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ठीक नहीं है, ईरानियन ऑयल तो ईरानियन स्वीट क्रूड ऑयल है, वो तो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो सोरिंग ऑयल प्राइसेस के बीच में ईरान भी डिस्काउंटेड तेल बेचेगा इंडिया को, आप हमसे खरीदो तो। और ईरान कुछ ओपन स्टेटमेंट्स देता नजर आ रहा है। ईरान बोल रहा है कि इंडिया का डिसीजन एक सोवरेन डिसीजन होगा कि वो हमसे तेल खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते हैं, बट उनको एक्चुअली में खरीदना चाहिए। चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे बातचीत होगी। और देखिए, अभी रिसेंटली F-16 की जो डील हुई है ना, $450 million की US और पाकिस्तान के बीच में, इस डील को लेके यहाँ पे एज अ निगोशिएटिंग फैक्टर इंडिया बोल सकता है कि हम ईरान से तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ आर्बिट्रेशन इश्यूज को लेके प्रॉब्लम है। चाबहार पोर्ट में जो शाहिद बहेश्ती टर्मिनल है, इसको इंडिया डेवलप कर रहा है। अब जब भी कोई ऐसा कॉमर्शियल एग्रीमेंट आता है ना, उसमें कभी कभी डिस्प्यूट भी आ जाते हैं, तो उस डिस्प्यूट के लिए इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भाई एक कंपनी ने इंडिया की एयरलाइंस एयर इंडिया के एसेट्स को फॉरेन में कब्जाना शुरू कर दिया। क्या होता है कि जब भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं दो कंट्रीज के बीच में या दो इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनीज के बीच में, तो एक थर्ड पार्टी लीगल एग्रीमेंट भी होता है। अब ये जो ओवरऑल चाबहार प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया, कल हो सकता है कोई लीगल एग्रीमेंट उठ के आ जाए, तो जब लीगल एग्रीमेंट उठ के आएगा तो क्या थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन हो सकता है? ईरान बोलता है कि हमारे लोकल लॉज के हिसाब से कल की डेट में कोई भी डिस्प्यूट उठता है तो उस डिस्प्यूट का एडजुडिकेशन ईरानियन कोर्ट में होगा। इंडिया बोलता है थर्ड पार्टी कोर्ट में कर लेते हैं, बट ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो चाबहार पोर्ट और उसके आसपास के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट में आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को लेकर थोड़ी बातचीत चल रही है इंडिया ईरान के बीच में। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। चाबहार पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये INSTC के साथ जुड़ता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखो तो सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, अस्त्रखान, बाकू अजरबैजान, ईरान, बंदर अब्बास और मुंबई को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। और इसके लिए ओवरऑल आप देखो तो इसके रास्ते में आता है आपका ईरान का चाबहार पोर्ट। तो इसी कंटेक्स्ट में देखिए तो चाबहार पोर्ट में इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जोड़ने के लिए। 7,200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है ये, शिप, रेल, रोड, रूट सब आता है इसमें। ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप से फ्रेट को ट्रांसफर करने में रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक सी से होता हुआ, नॉर्थ सी से होता हुआ, मेडिटेरेनियन सी से, स्विस कैनाल, रेड सी से, अरेबियन सी से होता हुआ भी ये पर्टिकुलर ओवरऑल आप कह सकते हो ट्रेड रूट गुजर रहा है INSTC। इसका लैंड एलिमेंट भी है, सी एलिमेंट भी है, और दोनों ही एलिमेंट ओवरऑल इंडिया पूरी तरीके से तब इसका फायदा उठा पाएगा जब चाबहार टर्मिनल में हमारा एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होगा। फिर अगला जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अजरबैजान ने बोला है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर लिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए 2020 में एक जंग हुई थी अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में। बीच में आपको अर्मेनिया नजर आ रहा है येलो में, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा ये अर्मेनियन कंट्रोल्ड है, ये जो हिस्सा है ये हारने के बाद अर्मेनिया ने अजरबैजान को दे दिया, और ये वाला जो हिस्सा है जो नीचे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपका वॉयलेट में, इस हिस्से को लड़के अजरबैजान ने अर्मेनिया से जीत लिया। अब क्या हुआ है कि यहीं पे कहीं पे फिर से कुछ एग्रेशन हुआ है। एक्चुअली में एग्रेशन अर्मेनिया ने किया है या अजरबैजान ने किया है ये क्लियर नहीं है, बट अर्मेनिया ने क्लेम किया है कि उनके 49 ट्रूप्स की जान चली गई है। फिर से यहाँ पे अजरबैजानी फोर्सेस और आर्मेनियन फोर्सेस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। आर्मेनिया बोल रहा है कि ये प्रोवोकेशन अजरबैजान ने शुरू किया, अजरबैजान बोल रहा है कि ये प्रोवोकेशन आर्मेनिया ने शुरू किया। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लड़ाई हुई है, 49 सोल्जर्स यहाँ पे मर गए हैं आर्मेनिया के। अजरबैजान ने बोला है कि उनके सोल्जर्स भी मरे हैं, एक्चुअली में उनके कितने सोल्जर्स मरे हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी उन्होंने अभी रिलीज़ करी नहीं है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। अजरबैजान ने बोला कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है ना नगोर्नो काराबाख इस पर्टिकुलर रीजन को लेके बहुत पुरानी है। अगर आप देखो तो आर्मेनिया अजरबैजान दोनों सोवियत रिपब्लिक्स थे, ठीक है ना, 1990s में। 2020 में नगोर्नो काराबाख के ऊपर ये ऑलरेडी लड़ाई कर चुके हैं। अगर आप देखो तो 2020 के ऑटम में जो जंग हुई थी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, 6,500 लोगों की मृत्यु हुई थी। नगोर्नो काराबाख रीजन में आर्मेनियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, ये अजरबैजान से अलग हो गए थे।
जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था 1991 में, सोवियत यूनियन के समय पे अजरबैजान को कंट्रोल दे दिया गया था नगरनो काराबाग का। जैसे सोवियत यूनियन टूटा, इन सेपरेटिस्ट ने बोला कि भैया हम तो अजरबैजान के साथ है नहीं। मेन इसका सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था नगोर्नो काराबाग, ठीक है ना। इस इलाके में आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं और ये ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और अजरबैजान मुस्लिम मेजॉरिटी है, शिया सेट को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो इस नगोर्नो काराबाग के इलाके को लेकर आप समझ लो ये कश्मीर है एक प्रकार का इंडिया पाकिस्तान का, बस कश्मीर को लेकर सीधी जंग नहीं हो रही है, इस नगोर्नो काराबाग को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े। रशिया ओवरऑल यहाँ पे साइड हो चुका है, आर्मेनिया CSTO का मेंबर है। जब आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई 2020 में, टर्की ने बढ़ चढ़ के मदद की अजरबैजान की, आर्मेनिया को दबाया, रशिया CSTO के अंदर आर्मेनिया की मदद करने नहीं आया। नगोर्नो काराबाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अजरबैजान ने आर्मेनिया से कब्जा लिया है, और अभी जो क्लैशेस हुए हैं इसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि अजरबैजान के पास कुछ हिस्सा चला गया है। अब एग्जैक्टली कितना हिस्सा गया है इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, जब आएंगी तो मैं डिस्कस करूँगा। आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों तो कर दीजिए, याद दिलाना पड़ता है। फॉर इंडिया द बज़वर्ड इज़ ऑल अलाइनमेंट, इट्स पार्टिसिपेशन इन द SCO समिट इज़ अ क्लियर सिग्नल ऑफ परस्यूइंग मल्टी अलाइनमेंट विद इट्स पार्टनर्स वर्ल्डवाइड। सुहासिनी हैदर जी का एक आर्टिकल है। तो सुहासिनी हैदर जी यहाँ पे ये बोल रही हैं कि अगर आप हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का व्यू पॉइंट देखो, और इन्होंने अपना व्यू पॉइंट अपनी बुक में ले रखा है द इंडिया वे नाम की बुक में, तो इनका ये बोलना है कि पहले की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी इंडिया की, जिसमें हम किसी के साथ भी एक्टिवली इंगेज नहीं करते थे, अपने इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंटली परस्यू करते थे, वो फेल हो चुकी है। तो अब क्या है, हम एक रियलिस्टिक मल्टीपल इंगेजमेंट्स ऑफ द फ्यूचर की पॉलिसी को ले रहे हैं। मतलब फॉरेन पॉलिसी में हम एक एक्टिव फुट ले रहे हैं, पैसिव फुट नहीं ले रहे हैं। हम लोग डोमिनेंट एग्रेसर भी नहीं बनना है, लेकिन हाँ बिल्कुल भी डोरमेंट में नहीं रहना है कि कुछ कर ही नहीं रहे, बैठे हुए हैं कोई कुछ भी कर रहा है तो, और मल्टीपल फ्रंट्स पे इंगेज करना है, इस पॉलिसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। और ये पॉलिसी किससे दिखती है, तो भैया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समरकंद जो होने वाला 15-16 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी जी मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे बातचीत करने जा रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि वो जी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात करें। COVID-19 के पैंडेमिक के समय पे जब यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, चाइनीज पार्टी कांग्रेस होने वाली है, तो हर कंट्री के पास कहीं ना कहीं एक वजह है, जैसे पाकिस्तान में फ्लड्स आई हुई है, हर कंट्री के पास कहीं ना कहीं वजह है कि वो वर्चुअली समिट को कर लें, फिजिकल मीटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फिजिकल मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंट्रीज ओवरऑल इस फिजिकल मीटिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ देख रहे हैं। उज्बेकिस्तान SCO समिट फुल हाउस होने वाला है, 15 लीडर्स आएंगे, 8 मेंबर स्टेट्स, 4 एशियन स्टेट्स, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया। ऑब्जर्वर स्टेट होंगे बेलारस, मंगोलिया, ईरान इस साल मेंबर बन जाएगा, अफगानिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है, और गेस्ट मेंबर्स में है आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की और तुर्कमेनिस्तान। तो ओवरऑल यहाँ पे मोदी जी भी अटेंड कर रहे हैं, तो इंडिया की मेंबरशिप SCO में तो है ही, इंडिया ब्रिक्स के साथ भी इंगेज कर रहा है, इंडिया क्वाड के साथ भी इंगेज कर रहा है, इंडिया I2U2, इंडिया इसराइल UAE के साथ भी इंगेज कर रहा है। I2U2 पे स्पेशल फोकस दीजिएगा दोस्तों, I2U2 से रिलेटेड सवाल बन सकता है किसी भी PCS या UPSC एग्जाम में, और IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर भी इंगेज कर रहे हैं। हालांकि हर फ्रेमवर्क में हम अपने इंटरेस्ट को साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हमने ट्रेड पिलर को इंडोर्स नहीं किया। फिर रशिया के साथ वोस्तोक आर्मी एक्सरसाइज में भी हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन सेम एक्सरसाइज में जो सी ऑफ जापान वाला एलिमेंट था उसको हमने बॉयकॉट कर दिया, रीजन चूंकि जापान के कंसर्न्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे। फिर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रैट स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच बैक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है, इंडियन आर्मी US के साथ युद्ध अभ्यास आपके लोग प्रैक्टिस कर रही है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो जो वेन डायग्राम होते हैं ना कि ये किस तरीके से, तो वेन डायग्राम में जो सबसे इंटरसेक्शन वाला इलाका होता है ना, यहाँ पे इंडिया बहुत एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स में इंडिया एक ही समय पे इंगेज कर रहा है, अपने आप को साइडलाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आइडियोलॉजी की भी जंग है, US लेड जो वेस्टर्न ग्रुप है वो अपने आप को कॉलिशन ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है, और रशिया चाइना को डिक्टेटोरियल आप कह लो फ्रंट का पार्ट बताया जा रहा है, तो इसके बीच में एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करिए तो मोदी जी ने अब तक नॉन अलाइंड मूवमेंट की किसी भी समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अभी तक के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इससे पहले केवल एक और प्राइम मिनिस्टर थे चरण सिंह साहब, और वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे 1979 में, उनको छोड़ के मोदी जी ये ऐसे फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अब तक नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की, क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टी अलाइनमेंट की है, ठीक है।
अब SCO समिट में जी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ हमारे मोदी जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं। पुतिन के साथ मोस्ट प्रॉब्ली मिलेंगे, और अगर पुतिन के साथ मिलते हैं तो हम वेस्टर्न कंट्रीज को एक सिग्नल भेजेंगे कि भाई देखो, भले ही तुम इस समय पर रशिया के अगेंस्ट फ्रंट खोल के बैठे हो, लेकिन हमारे बायलेटरल इंटरेस्ट के लिए रशिया इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके साथ इंगेज करेंगे। अगर आप देखो तो इंडिया ऑलरेडी एक सिग्नल भेज चुका है, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जंग से पहले, यूक्रेन वॉर से पहले 0.66 मिलियन टन थे रशिया टू इंडिया, वो फर्स्ट क्वार्टर से लेके सेकेंड क्वार्टर में 8.42 मिलियन बैरल्स पहुंच चुके हैं। जो गुजरात बेस्ड रिफाइनरी है नयारा एनर्जी, जो कि रॉस नेफ्ट का पार्ट है, ये बड़ी क्वांटिटी में रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। पुतिन लेड ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो कंडक्ट हुआ था लास्ट वीक में वर्चुअली, उसमें मोदी जी ने बोला कि हम रशिया के साथ अपने एनर्जी टाइज को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर इंडिया ओपनली बोल रहा है कि हम रशिया के साथ अपने टाइज को बढ़ाएंगे। $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने रशियन ऑयल और गैस फील्ड में कर रखी है। तो हम रशिया के साथ अपने आप को बिल्कुल डिसअलाइन नहीं कर सकते, हमें रशिया की ज़रूरत है। वहीं पर अगर आप बात करो मिस्टर मोदी और जी जिनपिंग की, तो 2014 से लेकर 2019 में मोदी और जी जिनपिंग एक दूसरे से 18 बार मिले थे, लेकिन जब से स्टैंड ऑफ हुआ अप्रैल 2020 से लेकर अब तक एक भी बार नहीं मिले, शायद अब मिले। और शायद इसी मीटिंग के लिए चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गोगरा हॉटस्प्रिंग्स इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे डिसइंगेजमेंट कंप्लीट करवा दिया। तो इस डिसइंगेजमेंट के कंप्लीट होने के बाद पूरे चांसेस हैं कि शायद मोदी जी यहाँ पे जी जिनपिंग के साथ सामने सामने मुलाकात करेंगे। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इतना बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ और उसके बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मिल रहे हैं। तो सुहासिनी हैदर जी ने बोला है कि देखिए, कभी कभी हाईएस्ट लेवल पे जब एक लीडर की मीटिंग होती है ना, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब डोका ला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भूटान के बगल में, उस समय पर G20 समिट में मोदी जी और जी जिनपिंग की एक छोटी मुलाकात के चलते चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। उसके बाद अगर आप देखो तो जियामन में ब्रिक्स समिट जब हुई थी वहाँ पर भी मोदी जी और जी जिनपिंग मिले थे। हालांकि देखिए चाइना के साथ ये सब चीज़ें सेट नहीं बैठती, चाइना ने अपने प्लान एडवांस में कुछ सालों के बना रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मीटिंग हो जाएगी मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में तो आगे चाइना इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट शायद सुहासिनी हैदर जी यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि चाइना के साथ इंगेजमेंट हमें बायलेटरल बेसिस पे जारी रखना चाहिए, क्योंकि क्या है जब बायलेटरल बेसिस में इंगेजमेंट जारी रहता है तो चाइना की लीडरशिप के ऊपर भी उनके डोमेस्टिक प्रेशर्स हावी होते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट कोई आप एडवर्स एक्शन मत लो, वो लॉन्ग टर्म में सही नहीं होगा। प्लस इस SCO की समिट में ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ मोदी जी की मुलाकात होगी, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मोदी जी इब्राहिम रईसी के साथ ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर बातचीत करेंगे। चाबहार पोर्ट टर्मिनल शाहिद बेहस्ती को लेकर बातचीत करेंगे। भले ही रेलवे लाइन में इंडिया अभी इन्वॉल्व नहीं है, ईरान ने रेलवे लाइन के डेवलपमेंट में इंडिया को बाहर कर दिया, क्योंकि रीजन बिंग इंडिया की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा था रेलवे लाइन की मैनुफैक्चरिंग को लेकर डेवलपमेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिलेड था। तो ईरान ने बोला कि भाई हम खुद ही अपनी रेलवे लाइन बना लेंगे। अभी उसके ऊपर बातचीत होगी कि नहीं होगी इस बात पे तो देखिए क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ ये क्लियर है कि बायलेटरली दोनों लीडर्स एक दूसरे के साथ इंगेज करके चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक तरफ पे जहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सपेंड करके ओवरऑल अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक चाइना अपनी पकड़ स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे इंडिया अगर चाबहार के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ अपने आप को जोड़ के हम अपना भी वर्चस्व वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं बहुत हद तक। INSTC वाला जो एंगल है ईरान का, वो मैंने अभी करंट अफेयर्स में थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस भी किया है। 2019 में लगभग इंडिया में जितना भी ऑयल इम्पोर्ट हो रहा था उसका 12% आ रहा था ईरान से। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ने एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। जब सैंक्शंस लगे तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आया, इंडिया ने ईरान के साथ ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया। बट चूंकि इंटरनेशनल अरेना में इंडिया भी अब डोमिनेंट हो रहा है, इंडिया एक मीट और म्यूक्स फॉरेन पॉलिसी नहीं अपना रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम US से ओपनली बोल दें कि भाई देखो हम तो ईरान के साथ बायलेटरल ट्रेड करेंगे, आपके धमकावे में आके हम अपने इंटरेस्ट को साइडलाइन नहीं कर सकते। तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होने वाला। और अपने इंटरेस्ट में बहुत जगहों पे इंडिया ने US को रिव्यूव किया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने रशिया के साथ खरीद लिए, US सैंक्शन लगाए ना लगाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हालांकि US ने सैंक्शन यहाँ पे नहीं लगाए, बट US पूरी तरीके से इंडिया के फेवर में काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया $450 मिलियन की F-16 एयरफोर्स डील US ने पाकिस्तान के साथ करी है, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। इंडिया का टारगेट है कि टेररिज्म को लेकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, हालांकि जब तक चाइना जैसी कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं तब तक ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा।
तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल साहब, इन्होंने शायद कोई बैक चैनल टॉक खोल रखे हैं पाकिस्तान के साथ, तभी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर स्थापित है सिंस फरवरी 2021। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। पेटेंट इकोसिस्टम को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है, रेजी जोसेफ साहब जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली में, इनका एक आर्टिकल। इनका ये बोलना है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की। ये रिपोर्ट बोलती है कि वाई, अच्छा रिपोर्ट का टाइटल है वाई इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन इट्स पेटेंट इकोसिस्टम। पेटेंट इकोसिस्टम को इंडिया में इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि पेटेंट इकोसिस्टम सीधे सीधे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जितने भी R&D स्कॉलर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। उस रिसर्च के आउटकम को अगर आप पेटेंट करते हो तो टेक्नोलॉजी आप लिटरली अपने नाम कर लेते हो। बाद में उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ठीक है ना, कोई भी प्रकार का बेनिफिट इंडिया के पास जाएगा, इंडिया के लोगों के पास जाएगा। अब इंडिया के अंदर जो भी पेटेंट फाइल होते हैं जो रेजिडेंट्स के द्वारा फाइल किए जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एक तो होता है कि इंडिया के अंदर फॉरेनर्स पेटेंट फाइल करें, फॉरेन की बहुत सी कंट्रीज इंडिया के पेटेंट ऑफिस के पास पेटेंट फाइल करती है। बहुत सारे इंडिया के अंदर रहने वाले लोग रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स का मतलब नेशनल्स नहीं, हो सकता है कि कोई फॉरेन स्कॉलर जापान से आके इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, वो कोई पेटेंट फाइल करे। तो पहले क्या होता था कि फॉरेनर ज़्यादा पेटेंट फाइल करते थे, रेजिडेंट कम पेटेंट फाइल करते थे। अब ये देखने को मिला है कि 2021-22 के आखिरी क्वार्टर में जो रेजिडेंट्स द्वारा पेटेंट एप्लीकेशन है वो फॉरेनर्स की पेटेंट एप्लीकेशन से ज़्यादा हो गई। तो पहले पेटेंट एप्लीकेशन फॉरेनर्स की ज़्यादा होती थी, रेजिडेंट्स की कम होती थी, अब रेजिडेंट्स की पेटेंट एप्लीकेशन फॉरेनर्स से ज़्यादा दिख रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने भी बताया था कि जो इंडियन रेजिडेंट्स है वो ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? जी बिल्कुल अच्छी बात है। इंडिया के अंदर रह के अगर कोई रिसर्च स्कॉलर पेटेंट इकोसिस्टम फाइल कर रहा है, मतलब वो इंडिया के R&D में अपना रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए कितने इंडियंस जाके US के अंदर रिसर्च करते हैं, यूरोप के अंदर रिसर्च करते हैं, वहाँ पर पेटेंट फाइल करते हैं और वहाँ की कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो अगर इंडिया के अंदर इंडिया के लोग या बाहर से आए हुए लोग रह के पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो ये इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेटेंट इकोसिस्टम को इवॉल्व करना इंडिया के अंदर बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना एक अलग चीज़ है, उसको प्रोसेस करना एक अलग चीज़ है। पेटेंट एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग इंडिया के अंदर धीमी है, बहुत ज़्यादा धीमी है। इसके चलते हमारा नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से इवॉल्व नहीं हो पा रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा है। अगर नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस की बात करो तो इंडियन पेटेंट ऑफिस में पेटेंट एप्लीकेशंस 2010-11 से लेकर 2020-21 के बीच में 48% बढ़ी है, ठीक है ना। लेकिन एबंडेंट पेटेंट्स की भी नंबर बढ़ा है। समझिए, जितने पेटेंट एप्लीकेशन आ रहा है वो तो बढ़ा है, लेकिन जितनी पेटेंट एप्लीकेशन को अबेंडेंट किया जा रहा है वो भी बढ़ा है। अब अबेंडेंट किया जा रहा है का क्या मतलब है? 2019-20 की एनुअल रिपोर्ट आई ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन ट्रेडमार्क्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, इसने ये बताया कि नंबर ऑफ एबंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन बहुत बढ़ी है। सेक्शन 9 क्लॉज 1 और सेक्शन 21 क्लॉज 1 ऑफ द पेटेंट एक्ट के अंदर जितनी एबंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 2010-11 में 5,186 एबंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन थी, 2019-20 में नंबर 23,291, 350% एबंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन बढ़ी है। अब आप बोलोगे ये एबंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन क्या होती है? देखिए समझिए, क्या होता है कि शुरुआत में किसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करने के लिए अगर कोई कैंडिडेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने किसी टेक्नोलॉजी पर काम किया, टेक्नोलॉजी के प्रिलिमिनरी रिजल्ट के हिसाब से मुझे लगा कि मैंने ये खोज की है, तो उस प्रिलिमिनरी और प्रोविजनल रिजल्ट को जाके मैंने पेटेंट ऑफिस के पास जमा कर दिया कि भाई ये मेरा पेटेंट है, ये मैंने बनाया, ठीक है। अब सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ द पेटेंट एक्ट ये बोलता है कि प्रोविजनल डाटा जब आप सबमिट करते हो उसके एक साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस भी सबमिट करने हैं अपने पेटेंट को प्रूव करने के लिए। उसी प्रकार से सेक्शन 21 क्लॉज 1 ऑफ द पेटेंट एक्ट क्या बोलता है कि पेटेंट एप्लीकेंट्स को रीफाइल करने हैं डॉक्यूमेंट अगर पेटेंट एग्जामिनर दोबारा डॉक्यूमेंट मांगता है। तो कई बार क्या होता है कि सेक्शन 9(1) ऑफ द पेटेंट एक्ट और सेक्शन 21 क्लॉज 1 ऑफ द पेटेंट एक्ट के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है किसी पेटेंट फाइलिंग करने वाले इंडिविजुअल से और वो इंडिविजुअल फ्रेश इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करता है। उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है उसके पास इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं, हो सकता है उसको पता चल गया हो कि उसकी जो रिसर्च फर्जी है, हो सकता है उसको किसी और ने उसी पेटेंट के लिए पैसे दे दिए हों, बहुत सारे रीजंस यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर पेटेंट एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं आता और वो हो जाती है एबेंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन। तो एबेंडेंट पेटेंट एप्लीकेशन का नंबर भी बढ़ा है। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी पेटेंट
एप्लीकेशन की जो फाइलिंग है उसे तो बढ़ाएं बढ़ाएं, साथ साथ हम इस बात के ऊपर भी फोकस करें कि जो पेटेंट एप्लीकेशन है ये प्रोसेस हो रही हो, ग्राउंड लेवल पे सही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही हो, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सिर्फ पेटेंट फाइल करना ज़रूरी नहीं है, पेटेंट के फाइल होने के बाद उस पेटेंट का डॉक्यूमेंट हो जाना, एक प्रॉपर साइंटिफिक इनोवेशन का रजिस्टर होना इंडिया के किसी इंडिविजुअल या इंडिया के अंदर, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 में आई थी, इसके बाद बहुत इंफेसिस किया गया कि यार पेटेंट एप्लीकेशन की फाइलिंग को आप बढ़ाइए, लेकिन ये जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो रही है वो परवर्स तो नहीं है, उल्टी सीधी वजहों से तो नहीं हो रही है, किसी और का इनोवेशन उठा के तो आप नहीं छाप रहे हो यहाँ पे, इन सब चीज़ों पर यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल ज़रूरी हैं। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको आप जर्ड बोलते हो, जर्ड एक बीमारी का भी नाम है बट इसको आप जर्ड फाइनेंशियल टर्म से बोलते हो, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, ये 2013 में 5% था, 2018 में 7% हो चुका है यूनेस्को डाटा के हिसाब से। ठीक है, इंडिया की अगर आप टॉप 10 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, तो इंडिया की टॉप 10 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ ने पिछले 4 सालों में दुगना पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए, 2015-16 में 838 फाइल की थी, 2019-20 में 2533 फाइल की थी। और अगर इंडिया के टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ पेटेंट फाइल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जेन्युइन ही होगा वो पेटेंट, हर पेटेंट फर्जी नहीं फाइल होता है। जो रेजिडेंट वाला एलिमेंट है इन इंडियन यूनिवर्सिटी में वो डबल हो चुका है, मतलब ओवरऑल इन इंडियन यूनिवर्सिटीज में इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं वो जो पेटेंट फाइल कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ओवरऑल हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और पेटेंट इकोसिस्टम को इसके लिए इवॉल्व करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे बात की गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में एक स्कोर प्रिपेयर किया जाता है 80 इंडिकेटर्स में, ठीक है ना। अगर इंडिया का स्कोर देखो तो ये घटा है, 2015 में इंडिया का स्कोर था 47.8, 2021 में हो चुका है 42.7। इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो 48 थी पहले, अब 65 पे यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है ना भाई। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। फिर एक इंडियन पोर्ट बिल से रिलेटेड एक आर्टिकल है, ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल ऑफ 2022। देखिए, इंडियन पोर्ट एक्ट आया था 1908 के समय पे, उस समय पे इंडिया एक गुलाम कंट्री थी, तो वो ओवरऑल जो पोर्ट एक्ट था वो अब उतना यूज़फुल रहा नहीं है, तो उसके ओवरहॉल की ज़रूरत है। इसीलिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने 4 राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन कंडक्ट करवाए हैं एक नए ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल पे। ये जो नया इंडियन ड्राफ्ट पोर्ट बिल है 2022 का, वो 2021 के पोर्ट बिल के ड्राफ्ट का एक इम्प्रूवमेंट है। देखिए, 1908 के इंडियन पोर्ट एक्ट को इंडिया अमेंड करने की कोशिश कर रहा है, 2021 में एक ड्राफ्ट आया, अभी 2022 में एक ड्राफ्ट आया। लेकिन ओवरऑल इन ड्राफ्ट में कुछ डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है राज्य की सरकार के बीच में, केंद्र की सरकार के बीच में। इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं, चेन्नई का पोर्ट हो गया, मुंबई का नावा शिवा पोर्ट हो गया, बॉम्बे पोर्ट हो गया, मुंद्रा के पोर्ट्स हो गए, तो ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स। अब ये जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं छोटे मोटे फिशिंग हार्बर्स हैं, बहुत कम ही नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग होती है। मेजर पोर्ट्स केंद्र की सरकार के अंदर आते हैं और नॉन मेजर पोर्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। नॉन मेजर पोर्ट्स में राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार दोनों ही काम कर सकते हैं। नॉर्मल कर नॉन मेजर पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन राज्य की सरकार देखती है, लेकिन चूंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में है तो केंद्र की सरकार भी नियम कानून बना सकती है। अब यहाँ पे रिसेंटली इशू क्या उठा है, इशू ये उठा है कि राज्य की सरकार को पता है कि केंद्र की सरकार नॉन मेजर पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में राज्य की सरकारों को हटा रही और अपने आप को जबरदस्ती घुसेड़ रही। देखिए क्या है, 1997 में एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। इसका हेड था यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एज चेयरपर्सन, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पोर्ट्स मैरीटाइम स्टेट्स के, मतलब जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनके जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पोर्ट्स हैं वो मेंबर बन जाएंगे मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने एक एपेक्स एडवाइजरी काउंसिल की तरह काम किया है, जिसका काम है मेजर पोर्ट्स और नॉन मेजर पोर्ट्स का डेवलपमेंट। पिछले 25 सालों में MSDPs की केवल 18 मीटिंग हुई है। तो MSDC को बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी यहाँ पे नहीं समझा जाता है, लेकिन अब क्या है कि MSDC को हद से ज़्यादा ज़रूरत या इम्पोर्टेंस दे रही है केंद्र की सरकार। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने 2021 में जो इंडियन पोर्ट बिल का ड्राफ्ट निकाला उसमें यह बोला कि चैप्टर 2 और 3 के प्रोविजंस के हिसाब से MSDC को स्टेटूटरी बॉडी बनाया जाएगा और ज़्यादा ताकत दी जाएगी। MSDC ये जो काउंसिल है ना आपकी, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये ज़्यादा काम करती नहीं। देखिए, ग्राउंड लेवल पे इसका कोई मतलब है नहीं,
बहुत ज़्यादा पावर इसके पास है नहीं। अब केंद्र की सरकार ने बोला कि हम एमएसडीसी को स्टेटरी पावर बनाएंगे। एमएसडीसी का काम होगा मेजर और नॉन मेजर दोनों प्रकार के पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना। राज्य की सरकारें बोल रही हैं कि केंद्र की सरकार ये करके राज्य की सरकारों की ताकत को अपने पास खींचने की कोशिश करी। जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और एक समय में प्लानिंग कमीशन ही सारे डिसीजंस लेता था, फाइनेंस कमीशन सब पीछे हो गए थे, उसी प्रकार से एमएसडीसी के थ्रू केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के डोमेन में घुस रही है। राज्य की सरकार के पास जो थोड़ा बहुत नॉन मेजर पोर्ट्स को डेवलप करने का, मेंटेन करने का, एडमिनिस्टर करने का आप कह लो लेवरेज है, वो भी केंद्र की सरकार राज्य की सरकार से छीनना चाहती है। इसलिए एमएसडीसी को यहाँ पे स्टेटूटरी बॉडी बनाया जा रहा है नए इंडियन पोर्ट के ड्राफ्ट में। एक तो ये राज्य की सरकार बोल रही है, दूसरा सेक्शन 10C के हिसाब से, सेक्शन 10C ऑफ द 2022 ड्राफ्ट बिल इंडियन पोर्ट एक्ट, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि केंद्र की सरकार जब चाहे तब एमएसडीसी को कोई एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल पावर दे सकती है। तो एमएसडीसी को स्टेटूटरी करके इसको ज़्यादा ताकत दे के केंद्र की सरकार अपनी ताकत बढ़ा रही है, राज्य की सरकारों की ताकत कम कर रही है। प्लस केंद्र की सरकार ने यह बोला है कि जब एमएसडीसी को स्टेटूटरी बना दिया जाएगा तो उसमें 5 सेक्रेटरी केंद्र की सरकार के और एक जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा और साथ साथ कोस्टल यूनियन टेरिटरीज के मिनिस्टर्स भी होंगे। आप सोचिए, एक तरफ तो एमएसडीसी के अंदर कोस्टल स्टेट्स के मिनिस्टर हैं, मतलब तमिलनाडु का पोर्ट मिनिस्टर होगा, और दूसरी तरफ एक सेक्रेटरी केंद्र की सरकार का यहाँ बैठा होगा, दोनों की बराबर बराबर होगी। तो एक डिप्लोमेट, एक सेक्रेटरी का एक मिनिस्टर के बराबर होना क्या सही है? आप जीएसटी काउंसिल देख लो, जीएसटी काउंसिल के अंदर मिनिस्टर ही मेंबर्स हैं, कोई ब्यूरोक्रेट मेंबर नहीं है। टेक्निकल कैपेसिटी में ब्यूरोक्रेट वहां पे काम करते हैं बट वो मेंबर नहीं है। तो एमएसडीसी के अंदर आप ब्यूरोक्रेट को मेंबर क्यों बना रहे हो? एक केंद्र की सरकार के ब्यूरोक्रेट को राज्य की सरकार के मिनिस्टर के बराबर ताकत क्यों दे रहे हो? तो इस बात को लेकर भी केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी केंद्र की सरकार दिखा रही है इंडियन पोर्ट एक्ट 2022 में, ऐसा राज्य की सरकारें इल्जाम लगा रही हैं, और इसलिए ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल जो 2022 और 2021 आया है इसको यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये मेन क्रक्स है इस आर्टिकल का, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। फिर यहाँ पे एक बताया जा रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन किंग, किस प्रकार से इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं इन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले किया, इस प्रकार की दो तीन बातें, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट था नहीं इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तमिलनाडु में पावर यूजर्स को टैरिफ शॉक दिया जा रहा है, भयंकर तरीके से बिजली के बिल तमिलनाडु के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ओवरऑल तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टेंजेडको का टैरिफ रिवीजन एक्सेप्ट किया। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए टैरिफ हाइक किया जा रहा है 11% से 45%, मतलब 45% तक बिजली यूज करने के चार्जेस बढ़ जाएंगे किसके लिए? डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए तमिलनाडु के अंदर। जो लोग 2 महीने में 550 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका बिल आएगा 2,350 रुपये, जो पहले से 240 ज़्यादा है। जो लोग 2 महीने में 450 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनका बिल 1,425 आएगा। जो 1,000 यूनिट से ज़्यादा बिल इस्तेमाल कर रहा है यूनिट्स माल, उसको हर यूनिट का 11 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। प्लस जो मल्टी टेनेंट्स बिल्डिंग होती है ना, 20 माले की बिल्डिंग बना दी, 15 माले की बिल्डिंग बना दी, तो उसके जो कॉमन इलाके होंगे जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जिमनेजियम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ पे बिजली का बिल 8 रुपये प्रति यूनिट होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लिए गए हैं, और ये लिए गए हैं टेंजेडको की रिकमेंडेशन के हिसाब से, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से। अब इस पर्टिकुलर बिल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की सरकार क्या बोल रही है कि भैया हमें केंद्र की सरकार की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप पावर रिफॉर्म्स करिए, और ऑलरेडी तमिलनाडु का जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल है वो बहुत नुकसान में। अगर आप टेंजेडको की बात करो, टेंजेडको को पिछले 8 साल में 1,13,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 1,13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है टेंजेडको को। तो टेंजेडको यहाँ पे टैरिफ बढ़ा के ओवरऑल अपने नुकसान को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि टेंजेडको की पॉलिसीज भी गड़बड़ाई हुई हैं। पिछली बार 2014 में टेंजेडको ने टैरिफ इंक्रीज़ किए थे, 8 साल में कोई भी टैरिफ इंक्रीज़ नहीं हुए, अब 2022 में टैरिफ इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, और ये कुछ कंज्यूमर्स के लिए इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, कुछ कंज्यूमर्स के लिए अभी भी फ्री हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की एग्रीकल्चरलिस्ट की बात करो तो 20 लाख जो फ्री फार्म कनेक्शन दिए गए ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो अनचेंज्ड है, मतलब फार्मर्स को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में ही दी जाएगी। जो हाई टेंशन लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, इनको 200 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी। पावर लूम्स को 750 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री जाएगी। तो एक तबका है जो कि आप कह लो बिजनेस से इन्वॉल्व है, एमएसएमई से इन्वॉल्व है, फार्मर से इन्वॉल्व है, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी हाइक है बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली बोला ये जा रहा है कि 11% से सीधे 45% का इलेक्ट्रिसिटी हाइक, ये बहुत ज़्यादा हो गया है।
इतना ज़्यादा हाइक यहाँ पे ठीक है नहीं। टेंजेंटको को अपने इंटरनल फंक्शनिंग पे काम करना चाहिए। इस प्रकार का हाइक ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन है इसको इंक्रीज कर देगा। ये सब पॉइंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। फिर एक आर्टिकल है जो वाराणसी कोर्ट ने बोला है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है। ओवरऑल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा हो सकती है हिंदू डीटीज़ की, इसके ऊपर मिलॉर्ड मिलॉर्ड होगा तो ये गलत हो रहा है। यहाँ पे हिंदू फंडामेंटलिज्म को जुडिशरी द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है, हिंदू मेजोरिटेरियन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें बोली गई हैं। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं और इस प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ के दिमाग भी ख़राब होता है तो आप इग्नोर ही किया करो। US ओपन 2022 भाई, यहाँ पे क्या हुआ है कि जीते हैं आपके स्पेन के कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज की बढ़ चढ़ के तारीफ की गई, इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हटा दिया। US ओपन को बताया जा रहा है कि बड़ा इक्विटेबल है। US ओपन में जो सबसे पहला ओपन था जिसने मेंस और वुमेन्स प्लेयर के लिए बराबर विनिंग फीस रखी थी, अब पहली बार ये लोग मैचेस में कोचिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरऑल फाइनल सेट टाई ब्रेक का जो इंसिडेंस था, जो आप कह लो प्रैक्टिस थी, वो भी US ओपन ने शुरू की है। 2006 से लेकर अब तक US ओपन में 10 अलग अलग लोग ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन, रोलैंड गोरस और विंबलडन में केवल 5 अलग अलग विनर्स हैं। और रिसेंटली यहाँ पे कार्लोस अल्कराज जो कि केवल 19 वर्षीय हैं, उन्होंने US ओपन जीत लिया। फिर कार्लोस अल्कराज की ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तारीफ की गई है, कैसे पहले ये जोकोविच को हरा चुके हैं, पैसे कहले ये राफेल नदाल को हरा चुके हैं वगैरह वगैरह। तो टेनिस के सपोर्टर्स इसको पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। बस ये याद रखिएगा कि US ओपन जीता किसने, सिंगल्स में, वुमेन मैन दोनों में और डबल्स में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्रक्स है मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।